झड़ी लगा। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 97 मैचेस खेले हैं जिसमें 18 शतक है और 26 सरशतक है। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि 8 साल पहले पाकिस्तान की जो टीम 9 नंबर पर थी उसे 9 नंबर से 1 नंबर लाने में बाबर आजम का बहुत बड़ा योगदान है। बाबर आजम वो जो कहते नहीं कि कप्तान एक एग्जाम्पल सेट करता है, वो एग्जाम्पल जो है वो सेट करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो आज बने। मसलन आप पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो इस मैच में पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम बन जाता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें जो हैं वो पीछे आ जाती हैं। बाबर आजम जो है इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं ओडीआई में, तो ये बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपकी टीम भी नंबर 1 है, आप उस नंबर 1 टीम में कैप्टन हैं और आप खुद ही दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। इसके साथ ही बाबर आजम ने आज 5000 रन पूरे कर लिए और 5000 रन जो है वो भी पूरा करने वाले वो दुनिया के सबसे कम इनिंग के बल्लेबाज बन गए। उस बारे में हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन है। इसके अलावा बाबर आजम ने 18 शतक मार दिया और सबसे कम पारियों में 18 शतक मारने का रिकॉर्ड जो है वो भी बाबर आजम के नाम हो गया, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है वो भी बाबर आजम के खाते में गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि कैप्टन जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है पैरामीटर्स का, वो बाबर आजम कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा।